हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शुभांशु अत्रे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अपन क्लास नाइन्थ के कारवा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और पॉलिनोमियल चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो नाम से पता चल रहा है जीरोज मतलब जीरो। तो भाई जीरो क्या, जीरो है ना। तो पॉलिनोमियल अगर मैंने डिनोट कर दिया पी एक्स से, ठीक है, और मान लीजिए अब ये पहला हो सकता है लीनियर, हो सकता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, या फिर मैंने एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया और ये मैंने ले लिया क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक मैंने दो ले लिए। अब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पी एक्स जीरो हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पी एक्स जीरो हो जाए, वो उसका जीरो कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर एक्स या वेरिएबल, जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर ये क्यू वाई होता और ये मान लीजिए ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होता तो वाई की वैल्यू हो जाती। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वो उसका जीरो कहलाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। लेट x इजिकल टू सी एंड पी सी इजिकल टू जीरो। देखो x का वैल्यू मैंने मान लिया c और पी सी जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज c इज जीरो ऑफ पी एक्स। सिंपल है ना। x की जगह जो भी वैल्यू आप रखोगे और यदि उसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो बन गया, देखिए x की जगह मैंने c रखा और पी सी जीरो हो गया, तो यानी कि c इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिसकी वजह से हुआ जीरो उसको ही हमने जीरो नाम दे दिया। इतनी सिंपल है अपनी मैथमेटिक्स। अब जैसे क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकते हैं, चेक वेदर, और आ गया वन थ्री आर जीरोज ऑफ पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और नॉट। अब ये मेरे पास दो नंबर आ गए वन और थ्री, मुझे बताना है ये इसके जीरो है या नहीं है। तो पहले आप पी वन पे चेक कीजिए, पी वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन इंटू फाइव प्लस सिक्स, तो ये हो गया वन माइनस फाइव प्लस सिक्स यानी कि टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा निकालता हूं पी थ्री, पी थ्री आ गया मेरा थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स यानी कि 9 माइनस 15 प्लस 6 यानी कि 15 माइनस 15 और ये आ गया 0। देखिए एक में 0 आया और एक में 0 नहीं आया, तो यहां से मुझे समझ में आया 1 इज नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स बट 3 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर या दो नंबर के, जिसमें आपको चेक करना होगा कि बताइए ये इसका जीरो है या नहीं है, तो आप इस तरह से चेक कर लेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है फाइंड द जीरोस। अब फाइंड द जीरो वाला आ जाएगा तो उसको कैसे करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और क्यू एक्स और दोनों के आपको जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो का सीधा सा तरीका है, फॉर जीरोस पॉलिनोमियल शुड बी जीरो, तो पी एक्स भी जीरो और क्यू एक्स भी जीरो। ये दोनों अलग अलग है, मैं एक साथ ही लेके कर रहा हूं। तो पी एक्स जीरो कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, क्यू एक्स जीरो होगा तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स का वैल्यू आ गया माइनस थ्री। यहां अगर हम बात करेंगे तो ये आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो,
x कॉमन आ गया, x माइनस टू माइनस थ्री कॉमन आ गया, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x माइनस टू x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इजिकल टू टू, x इजिकल टू थ्री, और यहां आ गया x इजिकल टू माइनस थ्री। तो आप कह सकते हैं टू एंड थ्री आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, और यहां हो जाएगा माइनस थ्री इज अ जीरो ऑफ क्यू एक्स। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, बस जीरो से यही बनेंगे, आपको वेरीफाई करना है या नहीं है, और कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसके जीरो बता दीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे और छोटे छोटे वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप थ्योरी पढ़ते रहें, फिर एक्सरसाइज खुद करें, और एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का बना ही देता हूं। टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।